overcome whatever you put in front of me to become the Universal Champion. तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से WWE 2K19 में, जहां पे हम लोग कर रहे हैं माई प्लेयर मोड। आई होप आपको सीरीज में मजा आ रहा है, तो धमाकेदार लाइक ठोकना ना भूलिए फॉर मोर एपिसोड। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में कि हमारे बज ने, हमारे ह्यूमैनिटी ने एलिमिनेशन चेंबर को सर्वाइव कर लिया। हमने ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा दिया, हम बन चुके हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं होने वाली, इसके आगे और भी मुश्किलें आएंगी, तो बढ़ेंगे सीधा उसी तरफ। लेट्स गो। अपना देसी लूचा ह्यूमैनिटी एक नए लेवल पे पहुंच चुका है। 63 ओवरऑल है जबकि हमारा, लेकिन हमारा क्रूजर कमाल कर रहा है, बड़े बड़े लोगों को हरा रहा है। हम लोग अब चैप्टर 13 की तरफ बढ़ेंगे, अ रियल बस किल। अब चैंपियन बनने के बाद हमारी लाइफ आसान तो होने वाली नहीं है, कोई ना कोई बस किल बन के आएगा हमारी लाइफ में। देखते हैं इस चैप्टर में हमारा दुश्मन कौन बनता है। तो हम जैसे रुकी ने जो इस साल अचीव कर लिया, WWE हिस्ट्री में लिखा जाएगा, US चैंपियन बना, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना, यूनिवर्सल चैंपियन बन चुका है, क्या क्या नहीं किया एक ही साल के अंदर, भाई एक लेगेसी बना दी हमने अपनी। कर्ट एंगल साइड मैच देना चाहता है ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ, वो हम अभी नहीं लेने वाले, लेकिन हम सीधा रिंग की तरफ जाएंगे। अपना लड़का देख रहे हो, सीधा वैन से एक पूरे टूर बस पे आ गया है। लुक एट दैट, इट लुक्स ग्रेट यार, यूनिवर्सल चैंपियनशिप हमारे अराउंड। लेट्स बी ऑनेस्ट, आई डोंट लुक वेरी गुड फॉर मी एट द एलिमिनेशन चैंबर, because thanks to Triple H doing everything in his power to hold me down yet again, not only did I have to defeat Braun Strowman, I had to do it in an Elimination Chamber match against five other superstars, where I had to enter first with the Monster Among Men. But despite all of that, I overcame the odds and stand here as your new Universal Champion. What a victory! Champ is here. So, what's next? Well, oh, what's Buzz next? भाई नाम लिया और हाजिर ट्रिपल एच, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अड़चन जब से WWE में आए, बदला लेने के लिए वो अभी भी हमको यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इसका हर प्लान नाकामयाब किया। I hate to admit it, but what you said is true. I have done everything in my power to keep this moment from happening, and it didn't work. But I wouldn't be where I am if I didn't have a plan B, or C, or D, or E. You see, I have done everything in my power to stop you, except for bringing back the most powerful force in sports entertainment. So you've left me with no choice. It's time for Plan E. It's time for Evolution. Evolution se panga hoga hamara. Triple H khud ring mein utarna chahta hai. The Evolution is back. Randy Orton, Batista एंड ट्रिपल एच रिंग की तरफ बढ़ते हुए। बस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, सब हमारे अगेंस्ट है। कहाँ गए हमारे दोस्त? रॉ पे सिर्फ एक दोस्त बना पाए हम लोग, फिन बैलर, उससे बड़ा कोई दोस्त बन ही नहीं पाया। गोल्डस के साथ थोड़ी सी टैग टीम रन थी छोटी सी, कर्ट एंगल ने हमारी हेल्प की, मैट हार्डी ने थोड़ी बहुत हेल्प की हमारी। ओप्स, घेर लिया एवोल्यूशन वालों ने। ले भाई बटिस्टा के ऊपर चढ़ पड़े हम लोग, लेकिन आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, इम्पॉसिबल, तीन लोगों को एक साथ में यहाँ पे। Evolution वापस से reunited। Triple H को पता है गेम कैसे खेलना है हमारे साथ, हमारे दिमाग के साथ। अपनी पुरानी Evolution को वापस ले आया वो, ये सही है भाई, इनकी Evolution मुझे खत्म करनी पड़ेगी। We've been wondering all week how Buzz would respond to Evolution's attack, and it looks like we're about to find out. Sir, I'm going to have to ask you to stop right there. What? You think we're playing here? I don't want to have to hurt you. Oh, security guard pe de dhanadan. Hame allow nahi kar rahe. Maybe better off staying on the bus. Knowing this guy, I don't think that's going to happen. Triple H ne hamara sara access band kara diya. Oh, I don't know, but it looks like Buzz is determined to find out.
एवोल्यूशन का लिमो है क्या भाई? ट्रिपल एच विद अ स्लेज हैमर। बैकस्टेज ब्रॉल स्टार्ट हो गए यहाँ पे। उसकी हेल्थ हमें लाल करनी है एंड ब्रिंग हिम नियर द लिमो। धनाधन फाइट कोने में ही चालू यहाँ पे। ट्रिपल एच हम पे चढ़ गया, वो हमें छोड़ने नहीं वाला। हम लोग नए मॉन्स्टर अमंग मेन तो बन चुके, लेकिन अब हमें लेजेंड किलर बनना है भाई। एक से बढ़कर एक लेजेंड, ये तीनों लेजेंड को मैं ही खत्म करूंगा। हाथ मरोड़ा हम लोगों ने ट्रिपल एच का, लेकिन ट्रिपल एच फाइट्स बैक, पंच पे पंच सीधा पेट पे। हम लोग रेडी भी नहीं थे इस मैच के लिए एंड अचानक से हमारे को दीवार में धकेल दिया गया एंड रशियन लेग स्वीप के साथ इस कोने में फंस चुके हैं हम लोग। भाई लिमो से दूर चल ले और ट्रिपल एच भागते हुए, लेकिन हम बचे इस बार उसके मुक्के से। गर्दन पकड़ के एक तरफ, ह्यूमैनिटी आप गुस्से में है बिल्कुल। एवोल्यूशन ने कैसे मुझे मार दिया, मुझे सबक सिखाएंगे ये लोग। सिक्योरिटी वाले बस अंदर चले गए अपने घर के। ले भाई रूम के अंदर से देखते रहो ट्रिपल एच, तुम्हारा बॉस पिटेगा आज मेरे हाथ। क्या लात दी है ट्रिपल एच। इन प्रॉब्लम्स नाउ एंड लुक एट दैट डीडीटी, सर फोड़ू अटैक ऑन ट्रिपल एच एंड बस वो मार खाते ही रह सकते हैं। एक और जंपिंग डीडीटी, ट्रिपल एच की एकदम लंका बांध दी हमने यहाँ पे। हमारे साथ गेम खेलेगा तू, वो हमारी टूर बस है, उस पर हमारा चेहरा है सबसे आगे। ले भाई लात पे लात, लात पे लात, अब कोई नहीं रहेगी यहाँ पे बात। सीधा मारूंगा एक के बाद एक, फेस बस्टर सीधा ऑन द ग्राउंड। कितनी तेज छुट्टी होगी। ट्रिपल एच को गुस्सा आया, उसने हमें पटका दूसरी तरफ, लेकिन रिवर्सल हमारी तरफ से। रेडी है भाई हर काउंटर के साथ एंड एसटीओ पीछे गया उड़ते हुए। ये ट्रिपल एच, ओ व्हाट अ रिटेलिएशन, एल्बो टू द फेस, भागते हुए आया। ना 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 ना, आज नहीं, किक टू द फेस। एवोल्यूशन का मेंबर तो हमें भी बनना आता है। सिग्नेचर मूव, रेडी पेट पे लात। व्हाट, वो हमारा सिग्नेचर मूव छीन गया यार। ये सबसे बुरा लगता है मुझे जब कोई मेरा सिग्नेचर मूव छीन के ले जाता है। बस की तरफ फेंक दिया हम लोग ने इसको एंड हमें अपना मोमेंटम फिर बढ़ाना पड़ेगा। टकलू, बाल उड़ गए, हाँ फाल भी उधेड़ दूंगा तेरी। एंड कूद गए, लेग ड्रॉप ऑन दी हैंड, हाथ तोड़ू अटैक एक नंबर। उसके पास जो सिग्नेचर मूव है वो मेरा है टीडीटी। दो रिवर्सल जिसके पास, दोबारा इस बार तो तुझे खाना पड़ेगा ट्रिपल एच। पेट पे लात, दी कैची डीडीटी, एपिक कैची डीडीटी यहाँ पे। एंड वो बिल्कुल लाल पड़ चुका है, उसकी हेल्थ लाल में पहुंच चुकी है। लिमो की तरफ ले जाना है बस अब मुझको, इसको धकेल धकेल के लाल तो कर दिया। ब्रिंग हिम नियर द लिमो, लिमो ही तो है ये। और उल्टा मुझे पड़ गया एल्बो। भाग के मत आना, भाग के मत आना। ओहो लेग स्वीप के साथ वहीं पे गिराया। Is he going for a signature move? Yes, he is. हमने उसका पूरा spine buster reversal किया। उसने उस तरफ से reversal किया। Counter पे counter, भाग के आया and neck breaker। हमारी health खुद लाल में चले गई है। Triple H क्या कर रहा है भाई? छोड़ दे। आज नहीं लगेगा तेरा spine buster यहाँ पे। आज सब फेल है मेरे सामने। पेट पे लात, कैची DDT number 2। सर फाड़ दिया Triple H का हमने। यही तो चाहता है ना तू? और तेरी बार बार एल्बोज मार रहा है मेरे को बार बार। क्या मिला तुझे? नेक ब्रेकर दे दिया। दो फिनिशिंग मूव्स है मेरे पास, लेकिन ट्रिपल एच मुझे यहाँ से कहीं दूर जाने ही नहीं दे रहा। अब तो पास नहीं आने का, पास नहीं आने का भाई के। और बड़े बड़े हैवी हिट्स चढ़ चढ़ के इसने मुक्के की बरसात की हमारे ऊपर। गर्दन घोट रहे, फिर दोबारा मोमेंटम गेन कर लिया इसने। देके ही छोड़ेगा ये मुझको, देके ही छोड़ेगा आज नहीं। स्पाइन बस्टर रिवर्सल एकदम एपिक यहां पे। सर फट चुका है उसका। फिनिशिंग मूव लगा दिया हमने एंड ट्रिपल एच छीन के ले गया वो फिनिशिंग मूव। ओ सीधा हमें लिमोजीन की तरफ फेंका है इसने। कम ऑन वी गेट अप, एक बड़े से किक अप के साथ यहां पे एंड इन टू द लिमोजीन। ये ले मुक्का, झापड़ी दिया। एवोल्यूशन वाले आ गए। होना तो चाहिए था, इनका पूरा प्लान था यहीं पे, तीनों मिलके मारेंगे। क्या कर रहे हैं ये लिमोजीन का,
तेरी अच्छा हुआ हम सबसे पीछे वाले सीट में थे इन दोनों की फट गई है सब भाग लिए यहाँ से वाह अब हम बढ़ेंगे अगले हफ्ते की तरफ लेकिन क्या किया इन लोगों ने वो पूरी की पूरी लिमोजीन इनने हमारे बस के अंदर क्रैश कर दी बताओ इनको तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर कराया जा सकता है इन तीनों को नेक्स्ट वीक हियर वी कम Welcome to Monday Night Raw, where if you missed the updates on social media throughout the week, we're happy to inform you that Buzz miraculously escaped last week's limo crash without suffering any major injuries. He may not have suffered any serious injuries, but our Universal Champion looks nowhere near 100% after what Evolution did last week. He's in no condition to be out here. He should have just stayed home to recover. I don't think that's in his DNA. Well, then he needs a gene transplant. वाह घुटना टूट चुका है लगता है हमारा यहाँ पे जब भी चैंपियनशिप मिला है हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है I'm not out here to make some long speech about everything Triple H has done to me this past year. No. I'm only out here for one thing tonight. Revenge. Evolution. I know you're back there. And I'm not leaving this ring until you come out And face me. अभी भी लड़ना चाहता है वो पूरी एवोल्यूशन से छोड़ेगा नहीं उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए बदला बदला लेगा भाई अपना ह्यूमैनिटी छोड़ेगा नहीं इन तीनों को आ गए मुस्टंडे सबके सब अब क्या करेगा ट्रिपल एच I gotta hand it to you, Buzz. You are resilient. I mean, you survived a high-speed limo crash, and the very next week, you're right back out here looking for a fight. But it seems that for all the guts you have, you're a bit lacking in the intelligence department. Because if you haven't noticed, we have a 3-on-1 advantage, and I think we all know from the last couple of weeks how that's gonna turn out. You know, I may be a bit stubborn sometimes, but I'm not stupid. If anything, Triple H, you've taught me that I can't always do everything on my own. So that's why I decided to even the playing field just a little bit. कौन है मेरे साइड पे? Let's see, कौन है मेरे साइड पे? Hemanity की सपोर्ट में Finn Balor, the Demon King. ये हुई ना बात. एकदम बराबरी की टक्कर देंगे दूसरी साइड कौन है 2-on-3 हुआ अभी तो भाई okay. so you have one other guy. Big deal. We still outnumber you. रुक जा भाई रुक जा अनाउंसमेंट होन दो आन दो आन दो AJ Styles The club भाई The club is here Now I'd say it's a little more even. Evolution वालों की फटी. AJ Styles, Finn Balor, the club. बिल्कुल नया बोले club. You should know this is far from over. At WWE Fastlane, it will be Evolution versus the three of you. Ooh. Wow, that is a match I never thought we'd see. Yeah, that is a dream match if there ever was one. एकदम सही पकड़े ये लोग एक बिल्कुल ड्रीम मैच बन चुका है एवोल्यूशन एक तरफ मेरे साइड में एजे एंड फिन व्हाट अ क्लब अब मजा आएगा इस 3-on-3 मैच में There are the three men who will team tonight to take on the reunited Evolution. It's going to be quite the challenge for the new group, the Buzzkills. Did you come up with that name, Byron? No, I can't take credit for that. I wouldn't want to either. तो ये है हमारा ग्रुप द बजकिल Oh, AJ Styles के पास अभी भी money in the bank है and I think I know क्या होने वाला है यहाँ पे I am the champion Finn Balor हमारे साथ है लेकिन यार ये हर समय इतना शांत बैठा रहता है fast lane में मैच होने वाला है हमारा level 32 पे हूँ मैं come on Finn I've give me something I've been part of clubs before so I know about their weaknesses there's always one or two members looking out for themselves so we can exploit that tonight and defeat Evolution गुड पॉइंट कोई ना कोई तो कमजोरी होता है ग्रुप का एंड AJ Styles यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है सो हु इन एवोल्यूशन डू यू थिंक इज लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स
Knowing those guys, all of them. सही बात है, वो लोग सब टॉप में आना चाहते हैं, एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं वो लोग. कम ऑन AJ, स्मैकडाउन से सीधा रॉ पे आ गया तू. थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी टेक ऑन एवोल्यूशन. आई नो इट्स प्रोबेबली नॉट व्हाट यू इमेजिन यू बी डूइंग हेडिंग इनटू रेसलमेनिया. आई डोंट केयर अबाउट ऑल दैट. Besides, if Triple H wasn't going for you, he'd be coming after me or Finn. So all that matters is we put an end to this power trip tonight. सही बात है, अथॉरिटी को खत्म करना है हमें. Man, a year ago, if someone told me I'd be teaming up with AJ Styles and Finn Balor to take on Evolution, I think they were insane. Hey, it just goes to show you never know what will happen. So you need to be prepared for anything. Same goes for tonight. वो हो रहा है भाई, बिलीव करो अपने अंदर. आई नो आई एम रेडी. बिल्कुल एकदम. गो टू द रिंग फर्स्ट लेन. कमेंटेटर ने तो हमारे टीम को नाम भी दे दिया है, द बस किल. ह्यूमैनिटी लुक एट दैट, द बस किल फर्स्ट लेन में एंटर करते हुए द यूनिवर्सल चैंपियन ह्यूमैनिटी. उसके साथ AJ Styles, मिस्टर मनी इन द बैंक एंड तीसरा Finn Balor, the Demon King. तो 3-on-3 elimination match है ये वैसे. कड़क होगा ये तो, कड़क होगा भाई. Come on, we have to do something big. Fast lane में आज Evolution क्यों रोक, Evolution ही रोक देंगे हम लोग. Humanity को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो इतने बड़े-बड़े WWE stars के साथ रिंग में होगा. Evolution उसके सामने, Triple H, Randy Orton and Batista. The King of Kings, Triple H, The Animal Batista, and the Viper, Randy Orton. खतरनाक है भाई, एक से बढ़कर एक legend. लेकिन हमारे सामने नहीं टिकेंगे ये बजी घंटी. Player must win by pinfall or submission. एकदम eliminate करना पड़ेगा सबको हमें. देख क्या गजब का यहाँ पे DDT दिया है हमने. Randy के साथ ही हमारा match start हुआ है. पहले भी एक बार पंगा हो चुका हमारा. रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिवर्सल मारा. क्या ड्रॉप किक था, इतनी तेजी से आया मुझे तो समझ भी नहीं आया कब कहाँ से कैसे. ह्यूमैनिटी विद द रिवर्सल जॉ ब्रेकर के बाद हमारी ड्रॉप किक इस बार. एंड रैंडी ऑर्टन डाउन ऑन द एप्रन एंड पकड़ लिया. ये ले भाई फेमाउजर, मुंह फोड़ा यहाँ पे. गोइंग टुवर्ड्स द टॉप रोप, ट्रिपल एच देखिए कितना चालाक है, फटाक से आ गया. लेकिन उससे पहले हम कूद पड़े विद द एल्बो ड्रॉप. ऑलमोस्ट उसने हमारी टांग खींच ली थी वहाँ पे. रैंडी ऑर्टन इन ट्रबल, लेकिन उसके रिवर्सल्स और भी ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पे. लेकिन हम उससे भी ज़्यादा तेज बड़े से क्लोज लाइन के साथ उसको नीचे फेंक दिया हमने एंड कूद पड़े. लुक एट दैट द रिस्ट. एंड फिन बैलर शायद हमारी थोड़ी सी मदद करना चाहता था एंड लेग ड्रॉप ऑन थ्री हैंड, तोड़ दिया उसका हाथ. चारों तरफ से चीयर्स ही चीयर्स आ रही है हमारे टीम के लिए. The Buskills, एक बिल्कुल नया क्लब बन चुका है यहाँ पे. दो बार फिन बैलर के पांव पे फेंका उसको. ट्रिपल एच पे बड़ा सा मुक्का यहाँ पे. बटिस्टा को बाहर फेंकने की कोशिश, लेकिन वो वापस से नीचे उतर गया था, बहुत चालाक बना. रैंडी ऑर्टन अंदर आ चुका है यहाँ पे. दे धनादन, ओह कैसे सांप की तरह निकला वो मेरे मूव के नीचे में से. ह्यूमैनिटी इन बिल्कुल फायर, कोने की तरफ डबल टीम मूव विद फिन बैलर. यहाँ पे अपर कट, वहाँ पे बटिस्टा डिस्ट्रैक्ट करते हुए. लेकिन लुक एट दैट, क्या टीम अप किया है हमने. दी एम्पायर एल्बो ड्रॉप सीधा रैंडी ऑर्टन के छाती पे. कम ऑन, यहाँ पे तो मैं टैग मांगने लगा, फिर दोबारा एनजीक्यूरी मिस हुआ यहाँ पे. एंड रैंडी ऑर्टन फटाक से भागा एवोल्यूशन की तरफ, टैग कर दिया उसने दी एनिमल बटिस्टा को. फिन बैलर को भी चांस मिल रहा है, AJ Styles को भी चांस मिल रहा है इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ फाइट करने का. फिन बैलर यहाँ पे बहुत ही कमाल का काम करते हुए उसने आंखें नोच ली बटिस्टा की. बैक इनटू द मैच भाई, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी भी नहीं बचा पाएंगे. बटिस्टा तुझे कोने में फेंका, क्या चॉप था, लिटाया उसको एंड धड़ाम से व्हाट अ शॉटगन किक, एकदम मुंडी तोड़ डाली इसने. फिन बैलर बहुत ही जोशीला है, उसका फाइटिंग स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है. लुक एट दैट डबल स्टॉम्प सीधा पेट पे, ये पड़ी ला एकदम स्ट्रॉन्ग स्टाइल. एंड बटिस्टा द पावर हाउस, एक ही क्लोज लाइन में उसको ठंडा कर दिया.
एक बार बटिस्टा मारना चालू करेगा, पावर मूव्स है उसके आर्सेनल में, दे देना डैमेज पर डैमेज, डैमेज पर डैमेज। थोड़ा सा मैं भी तो मदद कर सकता हूँ यहाँ से, बटिस्टा के मुंह पे मारा मुक्का, हिला दिया उसका सर। तब तक फिन बैलर को शायद थोड़ा सा मौका मिलेगा टू रिगेन कॉन्शियसनेस। अरे अरे घसीट के ले गया वो रिंग के बीच में, दोज शॉट्स मैन बहुत ही डेवेस्टेटिंग। अरे अपने कॉर्नर में ले गया, लेकिन फिन बैलर बार बार वहां से निकल रहा किसी तरह, आई डोंट नो कैसे। दबा स्किल्स ने काफ़ी मोमेंटम गेन कर लिया यहाँ पे, मारा फिन बैलर ने उसकी टांग पकड़ के, लेकिन ओ लुक एट बटिस्टा, जैसे ही हम लोग मोमेंटम गेन करना चालू करते हैं वहीं पे ठोक देता है वो, व्हाट अ पट की, कितने प्यार से उठा के यहाँ से वहाँ फेंक रहा है। एवोल्यूशन अब धीरे धीरे कंट्रोल ले रही है इस मैच का, अबे छोड़ उसको, छोड़ दे हमारे क्लब मेंबर को। लेकिन फिन बैलर की हालत काफ़ी खस्ता कर दी है, अबे ये तो मौका ही नहीं दे रहा, पहले टू पहली सुप्लेक्स यहाँ पे, पंच मारा हमने, the hot tag and AJ Styles को टैग मिल चुका है, the phenomenal one सीधा कूदते हुए आया, Batista in trouble, दो बड़े बड़े क्लोज लाइन, तीसरा मिस हुआ यहाँ पे एंड Batista with the kick, फिर दोबारा हमारा वही पे मोमेंटम रुका। लेकिन AJ Styles काफ़ी जोश के साथ अंदर आया, फॉर्मर चैम्पियन यहाँ पे, सबके सब फॉर्मर चैम्पियंस हैं, एक से बढ़कर एक। यहाँ पे टैग मिला है रैंडी ऑर्टन को, दोनों एक साथ गट पास्टर मारते हुए, दी वाइपर इज बैक इन द मैच एंड वी वांट टू गेट बैक इनटू द मैच, हमें चांस नहीं मिल रहा यहाँ पे, कम ऑन फिर मैं ये वाला कोना ले रहा हूँ, उधर चल जा भाई, दोनों एक ही कोने में खड़े हो गए हम लोग, यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, होगी भैया होगी, रैंडी यार कम ऑन कुछ तो करो, एक रिवर्सल तो मारो, हमारी टीम तो बहुत बुरी तरह बस के लो रही है। अपने कॉर्नर में फिर ले गए, बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी, लेकिन AJ Styles सिग्नेचर मूव मिल चुका है उसको, हमारे कॉर्नर में लाया बड़ा सा क्लोज लाइन, दिस फिनोमिनल वन, अब यहां से इफेक्ट ले चुका है, सिग्नेचर मूव लगाया उसने, गोइंग फॉर दी काफ क्रशर, लेकिन रोप ब्रेक ने बचा लिया, रोप ब्रेक ने बचा लिया, बहुत ही खतरनाक सबमिशन मूव, हाथ तोड़ा यहाँ से AJ Styles ने, यस AJ Styles विद द टैग, फिनिशिंग मूव उसके पास है, सिग्नेचर मूव फिन बैलर के पास है, अब बस ह्यूमैनिटी ही रह गया जो रैंडी ऑर्टन को खत्म करेगा यहाँ पे। रैंडी ने तो हमें ठंडा कर दिया एकदम, भागता है भागता है, आ जाओ भाई, ट्रिपल एच अंदर आया यहाँ पे, लात काफी मारी, ट्रिपल एच को भी लेटा दिया एक तरफ, रोप्स का यूज करेंगे यहाँ पे, फेंका हमें, कूदे लेकिन हैंड स्टैंड से सीधा गर्दन पकड़ी है हर कैंडाना के साथ दूसरी तरफ, ये है अपने ह्यूमैनिटी का देसी लूचा स्टाइल, फिर चला अपने कॉर्नर में, ह्यूमैनिटी अब बहुत ही ज्यादा जोश में भागते हुए गया, लेकिन पूरा मंकी फ्लिप मिस, यहाँ पे फायदा उठाया ट्रिपल एच ने, हमें यहाँ से स्ट्रगल चालू करनी पड़ेगी, हमें नीचे गिरा दिया गया, कान पे दे के मारा। ट्रिपल एच बिल्कुल फ्रेश है इस मैच के अंदर, कम ऑन भाग 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 भाग, ट्रिपल एच को टॉन्ट करने का बहुत समय मिला यहाँ पे, लेकिन गलत समय ढूंढा उसने, सिग्नेचर मूव रेडी ह्यूमैनिटी के पास, पेट पे लात, दी कैची डीडीटी, मुंह फोड़ जवाब दिया यहाँ पे, ट्रिपल एच को बिल्कुल घसीटा जाएगा कॉर्नर की तरफ एंड सीधा टॉप रोप पे, दी अल्टीमेट फिनिशर, दी खतरनाक सेंटॉन, बूम, व्हाट अ मूव, इनटू द पिन, 1 2, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि ट्रिपल एच की हालत बहुत ही अच्छी है अभी, अब मुझे दूसरों की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे डबल टीम मूव, AJ Styles को टैग किया इस बार मैंने, बड़ा सा आयरिश व्हिप, ये गिर रहा है, एल्बो ड्रॉप, ये हुई ना, काम एक साथ होना चाहिए अपना, निकल ले बटिस्टा, रैंडी को हमने निकाला यहाँ पे, लुक एट दैट स्टाइल्स क्लैश, नहीं बटिस्टा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पीछे से पकड़ा हमने, फ्रैंकेस्टाइनर, बूम, ट्रिपल एच तब भी बच गया यार, स्टाइल्स क्लैश के बाद, उसकी हेल्थ अच्छी थी इसलिए बच गया वो, बटिस्टा को सही रोका हमने फ्रैंकेस्टाइनर के साथ, फिर दोबारा हमारे कॉर्नर में एक साथ काम करेंगे, डबल टीम मूव्स एक के बाद एक, बड़ा सारे श्वेप एंड पटक दिया, सही पटका एकदम सही, ए भागना नहीं, भाग गया ये,
बटिस्टा को हॉट टैग मिला है। अबे ये ट्रिपल एच के ऊपर कहां कूदा। एजे साइज पीछे से लात मार रहा था लेकिन बिग बूट सीधा मेरे मुंह पे। ओह व्हाट एन एल्बो। अबे ये तो रुक ही नहीं रहा, सांड की तरह आया एकदम एंड ठोक के ले गया। सिग्नेचर मूव उसके पास है, खाना नहीं मुझे सिग्नेचर मूव बिल्कुल भी नहीं। आंखें नोच ली, किक टू द फेस, बहुत सही एंड अमेजिंग। ह्यूमैनिटी अब कंट्रोल ले चुका है इस मैच का। पटिस्टा की गर्दन पकड़ी, अपर कट दिया उसको एंड एनजग्यूरी मिस। बटिस्टा बड़ा स्मार्ट खेल रहा है, बार बार अपने कॉर्नर में ले जा रहा है हमें घसीट घसीट के। एवोल्यूशन को हमें अलग करना पड़ेगा, एक को एलिमिनेट कर दे तो हमारे पास काफी बड़ा एडवांटेज होगा। ट्रिपल एच इज बैक इन द मैच, इसने हमारी जान ले रखी, इसने हमें बहुत तंग किया है। फिनिशिंग मूव उसके पास है, दी पेडिग्री, दी पेडिग्री नहीं खाएंगे आज, घुमा के लात उसी के मुंह पे। अब ट्रिपल एच ट्रबल में आया। ओ हमें उल्टा मारने की कोशिश थी, पकड़। अबे साइड वॉक स्लैम उल्टा हमें खाना पड़ा। अटैक मिस कैसे हुआ, अपने पार्टनर्स को ढूंढते हुए लेकिन टू स्लो। अभी तो होश ही नहीं हम लोग किस तरफ है। यहाँ पे सबमिशन मूव लगा दिया गया हमारे ऊपर, फिगर फोर लेग लॉक में फंसाया। विल ह्यूमैनिटी टैप आउट, उसकी वही टूटी हुई टांग पे इनने वर्क किया है। चोट लगी थी भाई गाड़ी के समय एंड फिर दोबारा उसी को पकड़ लिया। लिमो जब क्रैश हुई थी तो उसके टांग में चोट लगी थी, कुछ हफ्ते गुजर गए, थोड़ा रिकवरी तो हो गया लेकिन चोट में दर्द तो हर समय रहती है। ह्यूमैनिटी फटाफट आर्म ड्रैग के साथ दूसरी तरफ फेंकता हुआ उसको। ओएमजी मोमेंट रेडी है हमारे पास, क्या यहीं पे इसका बजा देना चाहिए बैंड हमें। कोने में फेंका, ओएमजी मोमेंट लगाया यहाँ पे, पेट पे लात, द यूनिकॉर्न स्टैम्पीड चालू। तीनों मिलके यहाँ पे यूनिकॉर्न स्टैम्पीड मार रहे हैं। ट्रिपल एच को दे धनादन, एजे स्टाइल्स की बारी आ चुकी है, नाच भी रहे हम लोग साथ ही साथ। रगड़ दिया भाई, सही से रगड़ दिया उसको, दे धनादन दे धनादन, धाड़ धूम धाड़। लुक एट दी पेल्विक थ्रस्ट एंड ऑल, बड़ा सा आयरिश वेव एंड ड्रॉप किक सीधा ट्रिपल एच के मुंह पे। बटिस्टा बाहर, अबे रैंडी ऑटन अंदर आ गया यार। ओप्स, तेरी तो रैंडी ही ले। फ्लिपिंग पाइल ड्राइवर, मेरा मोमेंटम डाउन गया क्योंकि मैं बीच में आया, ज्यादा नहीं करना चाहिए मुझको। एजे स्टाइल्स फायदा उठाना चाह रहा था लेकिन रैंडी बहुत ही शातिर है। व्हाट अ पंच, ये मैच बहुत ही क्रूशियल बन चुका है, बहुत ही बढ़िया बन चुका है। सिग्नेचर मूव लगा दिया उसने, टांगे तोड़ रहा है वो, हाथ तोड़ रहा है एजे, अब दर्द नहीं है बिल्कुल, मुंह पे पड़ा लास्ट वाला मोमेंटम रैंडी की तरफ। उसके पास फिनिशिंग मूव, एजे स्टाइल्स विद एन अपरकट, ये हुई ना बात, बड़ा सा आयरिश व्हिप एंड फिर दोबारा हमारे कॉर्नर में। व्हाट अ क्लोज लाइन, हमें क्यों नीचे उतार दिया, वो अपने पार्टनर से तरफ भागने की कोशिश में। एजे स्टाइल्स ने उसको जाने नहीं दिया, इस बार काफ क्रशर लगाया है। यस बॉयज यस, वो रैंडी उसको पावर आउट करते हुए, आई थिंक उसने अपना रेजिस्टेंस यूज किया यहाँ पे। एंड एजे स्टाइल्स एक और पुश के साथ अपने कॉर्नर में ला ला के धो रहा है उसको। स्टाइल्स, इज ही गोइंग फॉर इट, यस ही इज, यही मौका है ह्यूमैनिटी के पास। बटिस्टा की तरफ हमने नजर मोड़ी, वहां पे आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, व्हाट, क्या कैचिंग फिनिशर था, उसने फिनोमिनल फोरआर्म को बिल्कुल उसमें बदल दिया, बचा लिया भाई फिन ने, बचा लिया हमको। ट्रिपल एच को देखो भाग रहा है यहां से मार, लेकिन रैंडी उसको भी तोड़ गया। क्या दिया यार रैंडी ने, क्या दिया यहां पे। एजे स्टाइल्स समझदारी का काम कर रहा है बाहर भाग के एंड बैक ब्रेकर, बहुत ही सही बैक ब्रेकर यहाँ पे। आजा आजा ह्यूमैनिटी बिल्कुल रेडी है, एजे स्टाइल्स ने टैग किया, काफी अच्छा कर रहे हैं हम लोग, टैग एक दूसरे को फटाफट दे रहे हैं। ह्यूमैनिटी विद अ बिग क्रॉस लाइन, फिन को रिकवर करना पड़ेगा, रैंडी की हालत वैसी काफी खराब है। फ्लिपिंग पाइल ड्राइवर और भी जबरदस्त पड़ा उस पर, फिन ने रिकवरी मारी, हम लोग टॉप रोप की तरफ जा रहे हैं लेकिन द गेम खेल गया, पंच मार दिया उसने हमें, उससे पहले हम टॉप रोप पे चढ़ पाए, बाहर सीधा रिंग के। फिन एजे मदद करो मेरी, आजा भाई आजा,
Humanity किसी से डरा नहीं है आज तक, चाहे कोई भी चैंपियन क्यों ना जाए। डीडीटी कमाल की, रैंडी को भागने नहीं देना बस यहाँ से। एंड जंपिंग डीडीटी रिवर्स बाय रैंडी, हर कुछ मिड एयर में रिवर्स कर देता है ये बंदा, प्रॉब्लम तो यही है। बड़ी प्यारी ड्रॉप किक यहाँ पे, सर पकड़ और दे घुमा इसको, फेस बस्टर, कमाल का फेस बस्टर। टॉप रोप पे हम लोग अपनी साइड पे, अच्छा है। ओ फ्रॉग स्प्लैश लग चुका है रैंडी, 1 2 3 यस, रैंडी ऑटन हैज बीन एलिमिनेटेड। बहुत सही, ट्रिपल एच के पीठ पे मारा हमने। बटिस्टा, बटिस्टा मेन मैन बन चुका है इनका, कमाल कर दिया ह्यूमैनिटी ने, कमाल कर दिया भाइयों, कमाल कर दिया। कोने में फेंका, आओ भाई, एजे स्टाइल्स डबल टीम वर्क, एक एवोल्यूशन का बंदा कम, अब हमारी जान में जान आई है। डबल शोल्डर्स, बंदा फ्लैट है, ट्रिपल एच वैसे ही बाहर हो चुका है, ये मारा उसने, फिनोमिनल वन अप, कर देगा इनका काम तमाम। एजे स्टाइल्स के पास सिग्नेचर मूव, बटिस्टा पावर आउट करते हुए उसको, ग्रेट रिफ्लेक्सेस, ग्रेट पावर एंड बूम, जॉब ब्रेकर दूसरी तरफ से, किक टू द फेस। स्टाइल्स अब मोमेंटम पकड़ रहा है, तेजी पकड़ रहा है इस मैच में, रेडी है वो उसको फिनिश करने के लिए। सिग्नेचर उसके पास है, मारा उसे सीधा मूव पे, गोइंग फॉर अ सबमिशन मूव, विल बटिस्टा टैप आउट, विल ही टैप आउट, पूरा प्रेशर उसकी गर्दन पे, एंड उसी के कॉर्नर में था, उसने पावर आउट किया उसमें से भी, टैप आउट कराना तो मुश्किल है इसको, घसीट लिया। एजे स्टाइल्स को कोने में पटक दिया गया, उसके सर से खून बहता हुआ, डबल टीम मूव विद ट्रिपल एच, पेट पे लात, कोने में दबोच लिया। एजे स्टाइल्स काउंटर्स इट, एजे स्टाइल्स से यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, जोशीला गेम, यहां वहां से कूद के नी टू द फेस, सर फाड़ना सबका। एजे, उनने तेरा खून निकाला है, तुझे उनका खून निकालना पड़ेगा। बहुत ही सॉलिड किक, फिन बैलर वहां से चीयर करता हुआ, हम यहां से चीयर करता हुआ, ट्रिपल एच लेकिन पूरा गेम बदलते हुए, बूज आ रही है जैसे ही एवोल्यूशन के पास कंट्रोल जाता है, चारों तरफ से बूज ही बूज। ओ पंच सॉलिड पड़ा, एजे स्टाइल्स हॉट टैग के लिए आ सकता था लेकिन रोक दिया गया, उसके हाथ पांव सब लेम्स को टारगेट कर रहे हैं लोग बार बार। एजे स्टाइल्स के ऊपर चढ़ गए एंड दे धनादन, इल्लीगल पंचेज, रेफरी रोक तक नहीं रहा उसको। ट्रिपल एच सिग्नेचर मूव ला चुका है अपने साथ, व्हाट विल ही डू, स्पाइन बस्टर, इज दिस इट, इज दिस इट, हम लोग अंदर घुसे, ट्रिपल एच को डिस्ट्रैक्ट किया एंड फिर बाहर। स्ट्रैटेजी भाई, स्ट्रैटेजी हमारी। ट्रिपल एच थोड़ा सा लेट हो चुका है शायद, यहाँ पे हम फिर घुसे रिंग के अंदर एंड तोड़ दिया हमने, तोड़ दिया, आना आना ट्रिपल एच आना। डिस्ट्रैक्शन बॉयज, डिस्ट्रैक्शन, ट्रिपल एच बाहर आके गलती कर रहा है, बाहर ही पटक पटक के मालूम हो तुझको तो। मैं एजे साइज उठ चुका है तब तक, ले एजे तेरा शिकार, हेल्प करो ना अपने दोस्तों की। सिग्नेचर मूव, यहाँ पे काफ क्रशर, बार बार काफ क्रशर के लिए जा रहा है, इस बार टैप आउट बनता है भाई इसका, मैं तो जा रहा हूँ अंदर बटिस्टा को रोकने, भागते हुए बटिस्टा बाहर एंड टैप आउट बाय ट्रिपल एच। एवोल्यूशन के दो बंदे एलिमिनेटेड एंड हम यहाँ पे जोशीला काम कर गए, एकदम खेल गए बबुआ, खेल गए। फास्ट लेन हमारा होगा, इनटू द अनाउंस टेबल। ह्यूमैनिटी बस अपने चांस का वेट ही कर सकता है यहाँ पे। बटिस्टा बहुत ही ज्यादा गुस्से में, क्या अकेले ही वो पूरे बस किल्स को मार सकता है, लग तो रहा है जैसे ही वो चल रहा है अभी तक। 3-on-1 सिचुएशन में अब ये है, एक टाइम था जब एवोल्यूशन मुझे ह्यूमैनिटी को 3-on-1 करने में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ देखिए, अच्छा जी जी जी, अमेजिंग अमेजिंग। टैग मिलेगा क्या भाई, एजे स्टाइल्स अपना बंदा टैग भी देगा फिन बैलर को, फिन बैलर को टैग मिला है, नो प्रॉब्लम, व्हाट अ डॉज, एंड फिन ने उसको बिल्कुल कोने में फेंक दिया है। उसके पास सिग्नेचर मूव है, यस ही इज डूइंग इट, सिग्नेचर शॉटगन ड्रॉप किक, ये धड़ाम, एपिक मूव भाई, एपिक मूव, सीधा जाएगा टॉप रोप की तरफ। हम तीनों ने एक एक को एलिमिनेट कर दिया है, अगर फिन बैलर कर सके यहाँ पे विथ ग्रुप दे ग्राब, बूम, व्हाट अ मूव, एंड दैट्स इट, आई कॉल इट, 1
Dude. Whoa. Finn, आजा भाई आजा. मैं बताता हूँ कैसे फिनिश होगा ये. ये हुई ना बात. ह्यूमैनिटी को टैग मिला यहाँ पे फिन के साथ काम करते हुए. एंड डबल एल्बोस. बटिस्टा उठने की कोशिश में पीछे से ये मारा नेक ब्रेकर. ओ लात मारा तो बाहर भागेगा. बाहर भागेगा तो मुंह पे लगेगा. मुंह पे लगेगा तो रोप्स पे लटकेगा. हमें आयरिश व्हिप करने की कोशिश. हम लोग बहुत ही देसी है बेटा. ये मारा दूसरी तरफ. फिन ने कोने में मारा. मैं भी कोने में इसकी धड़ाम से लूंगा. सिग्नेचर मूव. 9, 2, 11 एकदम बजा दिए इसके हमने 12 यहाँ पे. द चार्ज फिनिशर, द अल्टीमेट फिनिशर, द महाड्राइवर. व्हाट महाड्राइवर छीन लिया बटिस्टा ने हमसे. तेरी तो इतने मुश्किल से लिया था हमने. डीडीटी दी हमने अचानक से इनटू द पिन. 1, 2 बटिस्टा ने काम खराब कर दिया यार. इतने मुश्किल से मैंने इतना कुछ इकट्ठा किया था. इसने ले ली जान. डबल टीम मूव विद फिन बैलर. आयरिश व्हिप एंड डबल शोल्डर ब्लॉक. कर दे खल्लास कर दे इसको फिन. बचना नहीं चाहिए ये आदमी. क्यों मारा उसने. बटिस्टा अकेले ही तीनों को संभाल रहा है यहाँ पे. एंड काफी अच्छे से पेट पे लात. गोइंग फॉर द बटिस्टा बॉम्ब. विन फिन बैलर सर्वाइव दिस. लग गया भाई बटिस्टा बॉम्ब. 1, 2, 3 यहाँ से फिन बैलर हैज बीन एलिमिनेटेड. बिल्कुल फेयर खेलेंगे हम लोग. बिल्कुल फेयर कहने की बात है क्योंकि अब 2-on-1 हो चुका है यहाँ पे सिचुएशन. बटिस्टा एबिलिटी रखता है कि वो कर देगा कमाल ऐसे रहा तो. फिर दोबारा डॉज खाएगा एंड फिर दोबारा गर्दन पकड़ी जाएगी धुम्मा के. बहुत ही सही फ्रैंकेस्टाइनर इसको भी कह लो इसको. एजे के पास अभी भी दो फिनिशिंग मूव्स है. क्या वो इसको एलिमिनेट कर पाएगा. शुड वी ट्राई. वी शुड. उसकी हालत वैसे डामा डोल सी लग रही है मुझको. गोइंग फॉर आवर अल्टीमेट डबल टीम फिनिशिंग मूव. द एम्पायर एल्बो ड्रॉप. कंधे पे ले गए हम लोग एंड एल्बो पड़ा सीधा उसके छाती पे. फिनिश है ये बंदा तो फिनिश. रोप से रोप से. The phenomenal forearm incoming. AJ Styles can take this. ये आया and boom. इस बार लग गया हमारा phenomenal forearm. Yes, yes. 1, 2 It wasn't enough. If that was truly Triple H's last ditch effort to stop Buzz, then this has to be quite the relief for Buzz to not have to be constantly. Oh, what? यहाँ पे बस किल्स ने कमाल कर दिया था एंड अचानक से AJ Styles ने अटैक कर दिया यहाँ पे. फिन बैलर एंड AJ Styles दोनों मिले हुए हैं. What? मैंने कहा था ना AJ Styles कुछ गड़बड़ करेगा लेकिन फिन से एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये. फिन से एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये. एंड उसने कैश इन कर दिया. इसी चीज का डर था मुझको. क्या से क्या हो गया इस मैच में. कैश इन हो चुका है. ले भाई क्लब वाले मुझको धोखा दे गए यहाँ पे. चोरी बार बार मुझसे चोरी क्यों रहे टाइटल्स. यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी ले गए यहाँ पे. यूनिवर्सल चैंपियन नया AJ Styles. वाह भाई एवोल्यूशन को तो सॉलिड पेला ही पेला हमने. लेकिन ये जो जबरदस्त ट्विस्ट आया यहाँ पे. फिन बैलर ने ऊपर से कूप दिगरा दिया. AJ Styles ने हमें मार दिया अपना नेक ब्रेकर एंड फिर कैश इन करके ले गए. बूम. जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ. 16,000 एक्सपी मिला है हमें. चैप्टर 13 ख़त्म. 1800 कॉइन्स. क्या करूँ उनका लूट का. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. आई होप आप लोगों को मज़ा आया. फटाफट लाइक ठोकना ना भूलिए. सब्सक्राइब करिए. शेयर करिए अपने दोस्त के साथ एंड कमेंट्स में बताइए आप लोगों का फेवरेट मोमेंट आज के एपिसोड में से. प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विथ मोर. तब तक के लिए बाय बाय.